wanna ride me, catch a ride with me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece. Well, hello दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा पार्टी महिला समिति एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और फाइनली आज फाइनली आज मौका मिल रहा है जाने के लिए टुवर्ड्स बेनेली का शोरूम, विच इज़ सिचुएटेड नियर बखिस्टो सारियाली, यानी कि बखिस्टो सारियाली बोल सकते हो, बशिष्ट चाराली बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब मालूम होना चाहिए क्या है, दैट मीन्स। तो वहाँ पे हमारे एक मित्र का दोस्त है पल्लव भाई बोल के, तो ये पल्लव भाई जो है उन्होंने इन्वाइट किया है आज ही सुबह को कॉल करके। इट इज़ लाइक अ न्यू बाइक इज़ गेटिंग लॉन्च्ड, बेनेली का लियो वेंची कुछ ऐसा कुछ है उसका नाम, यहाँ पे आ रहा होगा, आप टेक्स्ट में आ रहा होगा। 500 सीसी का कैटेगरी का बाइक है, तो लो ये लॉन्च होने वाला है बेनेली का। तो उन्होंने बताया कि आ जाओ भाई, देख लो कैसा बाइक है, क्या है, फलाना ढिमका कैसा है, देख लो। तो उसी के सिलसिले में हम जा रहे हैं बेनेली के शोरूम पे, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि भाई बेनेली का शोरूम आ चुका है गुवाहाटी में और आप अब तक किसी भी बाइक का टेस्ट राइड नहीं किया है आपने, तो ऐसा मौका और दस्तूर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे चाहिए था TRK 502 का टेस्ट राइड जो कि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमारे जो मित्र दा दोस्त को लेके हमारे पल्लव भाई थोड़ा छोटा मोटा ट्रिप कर रहे हैं अंडर द फ्लैग ऑफ बेनेली। तो देखना है ये कैसा है ये लियो वेंच गाड़ी। वैसे मुझे फ़ोटोज़ वगैरह में गूगल में मैंने देखा था, बाइक तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, मतलब सुपर बाइक तो नहीं है लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी अच्छा ही है, मतलब डोमिनर का बड़ा भैया जैसा लग रहा है। अभी रियल में सामने से देखने के बाद कैसा लगेगा वो जाने के बाद ही पता चलेगा। अरे बदबू वाले गाड़ी, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, हमको जाने दो, थैंक यू। तो पहुंच चुके हैं बखिस्टो सारियाली, बखिस्टो चारियाली बोलते हैं इस जगह को। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे बेनेली का शोरूम। और अदा की खबर वाले डाउनटाउन हॉस्पिटल 4.3 किलोमीटर साइड। अच्छा, और यहाँ राइट हैंड साइड में आगे आप देखोगे तो यहाँ पे है सुजुकी का शोरूम, यहीं से हमने टेस्ट राइड लिया था जिक्सर SF का, तो इन्होंने टेस्ट राइड दिया था हमें 50 मीटर्स का, तो वीडियो नहीं बना पाया मैं। और सामने वहाँ पे देखिए आप लोग ताबड़तोड़ अपाची 310 RR है, और साथ में देखिए हीरो चला रहे हैं बाइक को, हीरो जी हमारे ताबड़तोड़ भैया हीरो है एकदम, बिना हेलमेट के ताबड़तोड़ एकदम, जाइए 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 भैया, बिना हेलमेट के एकदम ताबड़तोड़ चला रहे हैं। साथ में ही है हमारे सब्सक्राइबर मित्र एक, तो भैया जी अगर वीडियो देख रहे हो तो हेलमेट पहना करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही से हमें लेना है लेफ्ट टर्न, ये बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये कमबख्त स्पीड ब्रेकर ने रोक दिया। तो ये रहा राइट हैंड साइड में बेनेली का शोरूम। बढ़िया, तो गाड़ी रख के आते हैं। की नाम है भास्कर ना, फोन ले लॉन्च हो बोलने हो वो है ना, क्या नाम है? अनिकेत। अनिकेत कहाँ रहते हो, ब्लॉग बना रहे हो क्या? ओ दिस इज 600 R 302 R और एवेंजर। सो यप गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ बेनेली के शोरूम में, और आज है लॉन्च लियोनसिनो। यस, लियोनसिनो। और जिस व्यक्ति के बारे में मोटोब्लॉग में बता रहा था कि मेरा दोस्त है, उसको मिलवाते हैं अभी। पल्लव भाई ये यहीं पे काम करते, कितना महीना हो गया? 6 months? 19 मार्च को ओपन किया था। 19th of March 2019 को स्टार्ट हुआ था बेनेली का शोरूम, और तब से ऐसा मौका करते हुए अब तक टेस्ट राइड नहीं मिला किसी भी बाइक का। भाई ने मतलब भाई चला रहे TRK, जैसे बोला था मैंने मोटोब्लॉग में, तवांग वगैरह का ट्रिप अंडर द फ्लैग ऑफ बेनेली भाई कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल शायद से अगर कोई ट्रिप ना होगा तब जाके मिलेगा। वही हम लोग का मतलब जो शेड्यूल एक ऑलरेडी हम लोग बना के रखे, उस शेड्यूल में हम लोग सारे जितना भी मोटो ब्लॉगर्स है एंड जितना भी हम लोग का मतलब बाइकिंग कम्युनिटी रिलेटेड पर्सन है, सबको एक साथ बुला के हम लोग ये ऑलरेडी ये मतलब ऑन द प्रोसेस में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ऐसा होप मत गवाइए क्योंकि फ्यूचर में देखने को मौका जरूर मिलेगा बेनेली TRK 502 का टेस्ट राइड, इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे बेनेली 302 है और 600 I भी है, तो इन सब बाइक का जो है टेस्ट राइड जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आज स्पेशली देखने को मिलेगा लियोनसिनो। ये बात मतलब जवान में नहीं आ रहा, अभी नया नया बाइक लॉन्च हुआ है तो
रट्टा मारने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लियोन सिनो का आज लॉन्च है, तो देखते हैं कैसा होता है लॉन्च और क्या खिलाते हैं भाई, वो भी देखते हैं। चलिए I welcome you all to the launch of Leoncino 500. It is one of the most exciting projects that I have been a part of. You know, 500 is a scrambler style neo retro bike, which we are very excited about for this market, especially with people, with the young generation being so inclined towards bikes, being so inclined towards scramblers. We are excited and we are honored to be part of such a brand. देख लिया, अभी कुछ ही देर में बाइक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं दो महारथी, जो है GS 310 महंगे वाले बाइक, बट फ्रॉम डेट वहाँ पे है हिमालयन, जिसको ताबड़तोड़ मॉडिफाई करते कर चुके हैं हमारे ध्रुव बोल के एक बंदा है, उसने मॉडिफाई किया हिमालयन का जरूर। चलिए देखते हैं, पास से देखते हैं। भैया ने बहुत ही ताबड़तोड़ वाला मॉडिफिकेशन करवाया है यहाँ पे और बोले है और मॉडिफाई होना बाकी। अभी भीड़ भड़कम चल रहा है अंदर, वो खत्म होने के बाद फिर कुछ डिस्कस करेंगे बाइक के बारे में। चलिए राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बाइक एज प्रॉमिस। बात करते हैं, दिस बाइक इज पावर्ड 500cc इनलाइन ट्विन सिलेंडर विद 8 बल्ब DOHC सेटअप। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे है 120 सेक्शन का फ्रंट टायर। दिस इज नॉट अप टू द मार्क, द क्वालिटी ऑफ द इंडिकेटर्स आर नॉट अप टू द मार्क। थोड़ा बहुत और अच्छा हो सकता था, लेकिन मे बी यू कैन इंस्टॉल आफ्टर मार्केट इंडिकेटर वाइज, जैसे मैंने इंस्टॉल किया था मेरे बाइक में यामा R3 में, आप भी यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। उसके बाद अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, दिस वन कम्स विथ 50mm फॉक्स। ये 50mm का फॉक है, जनरली ऐसे 500cc के बाइक के कैटेगरी में इस तरह का इतना बड़ा वाला फॉक नहीं मिलता है, लेकिन दिस बाइक पर्टिकुलर गॉट दिस 50mm फॉक्स, और ये काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है डुकाटी का जो डियाबल सीरीज का बाइक है उसको, उसमें भी आपको 50mm का फ्रंट फॉक्स मिलता है और इसमें भी मिलता है। यहाँ पे डालो जरा गौर फरमाओ, यहाँ पे ये जो लायन है दिस आइटम, ये वाला है रिप्रेजेंट करता है इस लियोन्सिनो प्रोडक्ट को, और ये नीचे से बोल्ट लगा हुआ है। अगर काफ़ी फ्यूचर में जाके कैसे कितना हद तक ये अच्छा रहेगा उसके बारे में पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा, किसी यूज़र के थ्रू ही पता चलेगा कितना इसका क्वालिटी है। सो दिस वन इज द इंजन गाइस, 500cc इंजन। ऊपर से ये वाला है कूलेंट रिजर्वर, यहाँ पे आप अपना कूलेंट का लेवल चेक कर सकते हो। एंड दिस वन यू कैन सी राइट देयर, इट्स इन लाइन ट्विन इंजन। इनिशियली लग रहा था पैरेलल ट्विन, लेकिन बाद में पता चला इट इज इन लाइन ट्विन। सो दिस वन इज द मोनोशॉक, बाहर से ही एडजस्टेबल कर सकते हो एडजस्ट वगैरह, तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस बाइक। और इसका ऑलरेडी आपको मैंने सुना दिया था एग्जॉस्ट में। सो गाइस पीछे का जो टायर है 160/60/17 के साइज में आता है, आगे वाला तो आपको पता है 120/70/17। और बैकलाइट की बात करें तो काफ़ी हद तक ड्यू जैसा लग रहा है, और इंडिकेटर के बारे में तो आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बता दिया इतना खास नहीं है। अगर स्विच की बात करें तो ये सब स्विच क्वालिटी एवरेज है, नॉट अप टू द मार्क। और चाबी व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज द की रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, ऐसे करके डाल सकते हो अंदर, फिर इसको दबाने से निकल के आएगा।
दिस बाइक इज पावर्ड विद 47 bhp ऑफ पावर विद 46 nm ऑफ टॉर्क 6 स्पीड गियरबॉक्स है पेट्रोल टैंक फ्यूल टैंक है वो 13.5 लीटर्स का है जो फ्रंट ब्रेक है दोस्तों वो 320 mm का है और रियर ब्रेक है 260 mm का फ्रंट में ड्यूल ब्रेक है दिखा दो एक बार ड्यूल ब्रेक इस तरफ भी है है ड्यूल ब्रेक और ABS तो आजकल चाहिए सबको बिना ABS को तो काम नहीं चलता है क्योंकि आजकल दिग्गज वाला राइडर बहुत कम हो चुके हैं ABS बिना चलते नहीं आजकल तो वही ABS है इसमें तो प्राइस है दोस्तों एक शोरूम 4.79 lakhs पैन इंडिया एंड इनकेस यू आर इंटरेस्टेड फॉर बुकिंग दिस बाइक और आप परचेस करना चाहते हो तो अपनी नज़दीकी बेनेली शोरूम से कॉन्टेक्ट कीजिए जी हाँ तो गाइस बाइक के बारे में जितना भी पता था मैंने बता दिया एंड अपार्ट फ्रॉम डैट बाइक के दो कलर वेरिएंट में आता है एक आता है रेड ब्लैक वेरिएंट में दूसरा वाला आता है व्हाइट ब्लैक वेरिएंट में आप कोई सा भी आपको जिस आपका जो वाला पसंद है आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर टेस्ट राइड कर सकते हो टेस्ट राइड मेरे ख्याल से जल्दी स्टार्ट होने वाला है हर किसी शोरूम में आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी मिल जाएगा गुवाहाटी में एंड दूसरे शहरों में भी मिल जाएगा और ऑलरेडी मिल भी रहा है बाहर या हमारे गुवाहाटी में थोड़ा लेट करके शुरू होता है जो भी शुरू होता है थोड़ा लेट करके शुरू होता है तो वही बात है यहाँ पर आए थे हमारे 100 रुपये के कैमरामैन आज इन्होंने हमें दिया है धोखा क्योंकि ये चले गए थे इंडिपेंडेंस डे के प्री शूट के लिए इंस्टाग्राम के प्री शूट के लिए और भाई ने अकेले फोटो खिंचवा लिया मेरे को कोई फोटो नहीं मिला लेकिन हम बदला लेंगे लेंगे भाई लाइक करके बदला लेना अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे क्या बाइक है भाई एनाकोंडा या गोडजिला तो अभी निकल ही रहे थे बाहर और यहाँ पे क्या चीज़ का दर्शन हो गया देखिए जिस इस TRK 502 जिसके बारे में बता रहा था टेस्ट राइड चाहिए अगर मौका दस्तूर फ्यूचर में मिले तो इसको चलाएंगे ज़रूर लेकिन ये थोड़ा हाईली मॉडिफाइड स्टिकर वगैरह लगाया है भाई साहब ने और यहाँ पे जाली वाली लगवाई ताकि अंदर मच्छर ना जाए और काफ़ी अच्छा लग रहा है ताबड़तोड़ लग रहा है बस आज के लिए इतना या तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए और टिल देन ड्रीम बिग बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट से ठीक है चलो बाय बाय आज के लिए